मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं? ओ ये वो कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, संडे है तो छुट्टी है, तो थोड़ा लेट वेट तो चलता रहता है ना। तो अभी चाय जो है, सुबह के गर्म पानी तो हो गया, बस अब सुबह वाली जो डोज है ना, जो बूस्टर डोज जिसको हम लोग कहते हैं चाय, वो बन रहा है। तो चलिए उसका आप लोगों को एक झलक दे दे रही हूँ। और केशव खुशी तो अभी तक सो ही रहे हैं, इन लोगों को भी जा रही हूँ जगाने। तो यहाँ केशव सो रहा है, यहाँ पे खुशी सो रही है। खुशी उठो, खुशी चलो पहले मैं चाय पी लूं तब इन लोगों को जगाती हूँ। मेरे लिए ग्लास में, मुझे स्टील के ग्लास में चाय पीना बेहद पसंद है, क्योंकि मुझे इसमें ना थोड़ी देर तक गर्म रहता है, कप में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए मुझे ग्लास में पीना मस्त लगता है। अब आप चाहे जो समझो, लेकिन मुझे मस्त लगता है। उठने के बाद वाली ये मस्ती है इन लोगों की, 10 घंटे तक तो ये लोग बेड पे ही रहेंगे, अपने बेड में से फिर हमारे रूम में आ जाएंगे। क्या करेंगे, आदत से मजबूर। ठंडी लग रही, छोड़ हटना। चलो उठो ना बेटा, आप लोग तैयार रखो, अब नहावा सो जाते हैं, चलो नींद कर लेते हैं। मुझे सारा ये बेड सही करना है, चलो उठो सब, कपड़े भी फोल्ड करने हैं। ओके मेरा भी लग रही है, तू हारेगी ही, हारना ही है। ये क्या, ये तो चीटिंग हो रहा है। अरे मेरे में दम नहीं है, दो हाथी है ना, दो हाथी का बाहर। नो 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 नो, ये तो चीटिंग हो रहा है। तूने अच्छे से नहीं किया, अच्छे से कर, चल अब नहीं होने वाला है, चल तू नहीं जीतने वाली है। जीत जाऊंगी, हां दो हाथ लगाने के बावजूद भी जी नाक मार दियो मम्मी। हाय रब्बा, नहीं हो सकता। कैसा टेस्ट है एवन? Counting stars and my home was where you were. Washed away all the love of yesterday. When you came around, all my walls just broke down. What a treasure I found. Night by night we grew, nothing that I could do. My heart meant it for you. Oh,
A1 बना है। कोफ्ता तो टेस्टी होता ही है भाई। मेरे लिए खाना वाना तो मेरा हो गया, और आज तो ऐसा हुआ था ना, जैसे ही मैं कोफ्ता तलने लगी ना, वैसे ही मेरा गैस खत्म। मैं बोली अब क्या करूँ, हस्बैंड भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं मतलब घर में थे, तो मैं बोली कि, और मेरा सिलेंडर जो है वो नीचे है, गैरेज है उसमें मतलब रखा हुआ है। मैं बोली अब क्या करूँ क्या करूँ, फिर और चावल भी बैठा रखी थी मैं एक साइड को, कुकर में चावल दाल तो मेरा बन गया था, चावल बैठा रखी थी और एक साइड को कोफ्ते जो था उसको तल रही थी। बस फिर क्या, गैस खत्म। फिर हस्बैंड को फोन लगाई, मैं बोली कि देखिए ना, चावल बैठा रखी हूँ और एक तरफ कोफ्ते भी रख रखी हूँ, और मतलब गैस खत्म हो गया, तो अब वो भी आ भी नहीं सकते थे इतना जल्दी। तो मैं बोली क्या करूँ, फिर जा करके गैस, चावल तो खराब हो जाता ना, तो फिर इंडक्शन मेरे पास है, तो वो इंडक्शन लगाया और उसके बाद चावल बनाया। और फिर वो इंडक्शन वाला जो था, वो जो कढ़ाई है ना, तो वो उसका तलवा नीचे का जो पेंदी है ना, वो एकदम ही पतला है, तो उतना मतलब उस पर कोई चीज़ ना, जैसे आप तलने वाला जो चीज़ है वो जलने लगता है, तो उतना अच्छा उसमें नहीं मतलब फ्राई हो पाता है। तो फिर हस्बैंड को फ़ोन की, तो थोड़े आधे घंटे बाद आए, और थोड़ा सा एक बार जो उसमें रख रखा था कढ़ाई में, वही वाला मतलब उसमें पलट करके और रखा, लेकिन जैसे तैसे हुआ। फिर उसके बाद में आए तो गैस लगाया, और उसके बाद में फिर गैस पे तली में। मैं बोली कि बाप रे, आज तो बहुत ही, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे ऐसे, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं बोली क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आता है। अब टाइम भी हो रहा था खाने का, मैं बोली कि अभी हस्बैंड भी मतलब बच्चे वगैरह भी आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर कैसे खाना इतना जल्दी बनेगा। हाँ ना, कुछ क्वार्टर्स में, अरे खुल गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा है यार। चलिए दिखाती हूँ आपको, ये सारे क्वार्टर्स जो पुराने क्वार्टर्स हैं ना, वो मतलब जो डैमेज में डाल दिया गया है, वो सारे रिपेयर्स हो रहे हैं। देखिए खाना वाना हो गया, बच्चे भी आने वाले हैं, तो चलिए। पानी भी आ गई है, मुझे बर्तन वगैरह भी सब साफ करने हैं, तो चलिए यार थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे थोड़े देर बाद। हाँ, एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहती हूँ, जो लिटिल मेकओवर ऑफ डिफेंस क्वार्टर, एक मैंने जो ब्लॉग डाला था, वीडियो बनाया था मेकओवर का, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से शुक्रिया इतना सारा प्यार मतलब देने के लिए इस वीडियो को। बस इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए, और हमारी मतलब जो फैमिली है आपका और हमारा, जो रिश्ता है ये, जो दोस्ती का, उसको आगे बढ़ाते रहें। अभी टाइम हो रहा है 3:15, और मेरा सारा ये किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने जो नए फ्रेंड हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।